ओम शांति। 10 मार्च 2024, आज की अव्यक्त मुरली बाबा का शिवरात्रि पर आज विशेष रूप से ये मुरली चली है। शिव अवतरण और एका नामी का अवतार, ये बाबा ने मुरली चलाई थी 13 फरवरी 1999 को, और आज हम इस मुरली का मंथन करेंगे आप सभी भाई बहनों के साथ। ये मंथन हम रोजाना सवेरे 6 बजे सायं 4 बजे करते हैं, जिसका लिंक YouTube का भी और गूगल मीट का भी इसमें दिया हुआ है। 3 प्रकार से भाई बहने इस समय सामने बैठकर इसको सुन रहे हैं और अपना विचार सागर मंथन कर रहे हैं। 4थे प्रकार के भाई बहने भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो घर बैठे इस मुरली को सुनते हैं, वे अपना कोई भी विचार जो उस मुरली से संबंधित हो और जो सबके हित में आता हो, या कोई ऐसी बात जो स्पष्ट ना हो रही हो, उसको अवश्य व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे, ताकि सभी मुरली मंथन में भाग ले सके, सभी साथी बन सके, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिनको नहीं मिल पा रहा है तो वे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे, ताकि उन्हें भी हम ये लिंक भेज दें और वो भी पार्टिसिपेट कर सके। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं शिव बाबा को? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचयिता। हाँ, ब्रह्म अपने 3 कर्तव्य करते हैं, 3 मूर्तियां धारण किए हैं, इसलिए 3 कर्तव्यों के कारण उनको त्रिमूर्ति कहा गया। पहला कार्य है, कर्तव्य है उनका सृष्टि की स्थापना करना, फिर है आश्री सृष्टि का विनाश करना, फिर है जो देवी सृष्टि की स्थापना की है उसकी पालना कराना, और ये 3 कर्तव्य कराते हैं, और इसलिए उनको त्रिमूर्ति कहा गया। और दुनिया वालों ने ब्रह्मा को ही 3 मुख दे दिए, त्रिमूर्ति बना दिया। तो हमें समझना है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती है आज, इसलिए बाबा कहते मैं आकर के 3ों कर्तव्य एक साथ करता हूं। 3ों कर्तव्य एक साथ कैसे करते हैं और कैसे करना सिखाते हैं? हेलो, 3ों कर्तव्य कैसे करते हैं और एक साथ कैसे होते हैं, कौन बताए? आपकी आवाज के साथ दूसरी आवाजें आ रही हैं। दूसरी आवाज कहां से आ रही? कोई आवाज कुछ भी नहीं चल रहा, ऐसे कतर कतर पतर पतर ऐसे साथ में आवाज आ रही है। वो कचर पचर आएगा, वो बाहर की दुनिया का है, हमारे घर का नहीं है, वो आता रहेगा। हमें मेरी आवाज साफ समझ में आ रही है ना? इसी से डिस्टर्ब होती है ना, कतर पतर ज्यादा आती है इसलिए डिस्टर्ब होती है। अब तो नहीं आ रही ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बताओ कि त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? आप बोलते हो तब आती है भाई आवाज। अच्छा, मेरे बोलने से आवाज आती है? आप बोलते हो उसमें कतर पतर होती है। इसका मतलब सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है ना? अभी अभी भी आवाज आ रही है ना? आपकी बात नहीं आ रही। हाँ, आपकी बात नहीं है। आप ठीक है ना? आप मेरी आवाज आ रही है? अभी तो पूरी आवाज बंद हो गई। आप पूरी आवाज बंद हो गई। अब
अब आ रही है, इसके पहले पूरी आवाज बंद हो गई थी। अब ठीक है आवाज, अब ठीक है आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। और दूसरा कोई माइक चालू होगा, दूसरा कोई माइक तो चालू नहीं है, एक ही माइक चल। प्रशांत जी का माइक खुला हुआ है। हाँ, किसी का माइक खुला हुआ होगा तो आवाज आएगी। राजेंद्र प्रसाद जी का माइक खुला हुआ है। हाँ, एक भी माइक खुलेगा ना तो उसकी आवाज गूंज करके आएगी। आरपी सिंह जी आपका माइक बंद है, खुला है? आप ठीक है? हाँ, आप ठीक है। ये आप जो कंप्लेंट कर रहे थे ना, उन्हीं का माइक खुला हुआ था। ठीक है, तो आप बताओ कि त्रिमूर्ति शिव अपना कर्तव्य एक साथ कैसे करते हैं? एक साथ इसलिए करते हैं कि ब्राह्मणों की भी स्थापना करते हैं, देवता की स्थापना करते हैं और उनका भी कार्य साथ में करते हैं। तीनों काम एक साथ करते हैं और तीनों काम हर एक आत्मा को करना सिखाते हैं। हमें भी यही काम करना सिखाते हैं कि आपने अपने अंदर देवी गुणों की स्थापना करनी है। जैसे जैसे देवी गुण स्थापन करोगे, आसुरी गुणों का श्रृंगार करना है और साथ साथ उन देवी गुणों की पालना भी करनी है। तो उसके साथ साथ फिर देवी गुणों की पालना भी होगी। तो हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि परमात्मा आकर तीनों कार्य एक साथ करते हैं। वो दरवाजा बंद कर दें। मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा क्या करने आए हैं? मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से, चाबी दे दो, सालिग्राम बच्चों से बाबा क्या करने आए हैं? मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है। बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने के लिए आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है और बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। ये जन्मदिन सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। ये न्यारा और प्यारा कैसे है? बाप बच्चों का जन्म एक साथ है। नंबर एक बात हमें समझ में आई कि ये वंडरफुल न्यारा और प्यारा है कि बाप और बच्चे का जन्मदिन एक साथ हो रहा है। बाप का भी जन्म और बच्चे का भी जन्म। और क्यों न्यारा प्यारा है? और क्या चीज है इसमें न्यारी और प्यारी? बाबा मिलन मनाते हैं, बाबा मिलन मनाने आते हैं, बाबा उसी समय करते हैं। क्या कर? इस राज्य की स्थापना भी बाबा करने आए हैं। परमात्मा आकर के इसी समय एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हैं। और हम आत्मा है और बाबा भी आत्मा है। हम दोनों का अंदर बाबा हमें आत्माओं का रूप करते हैं ना, और बाबा खुद आत्मा है, तो ये दुनिया से अलौकिक के अंदर ज्ञान आ रहा है ना। हाँ, दुनिया में जन्म जो होता है वो होता है, हाँ वो होता है शरीरों का जन्मदिन, आत्मा का जन्मदिन नहीं। यहाँ आकर परमपिता परमात्मा आत्मा को अडॉप्ट करते हैं, तो आत्मा का जन्मदिन होता है ये, शरीर का जन्मदिन नहीं होता। और परमात्मा भी आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, इसलिए ये न्यारा और प्यारा है। और स्मृति दिलाते हैं बाबा, क्या करते हैं? स्मृति दिलाते, स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते हैं? कि हम आत्मा है,
हाँ कि हम आत्मा हैं, ये आकर के बाबा स्मृति दिलाते हैं और बाबा स्वयं न्यारा और प्यारा है और हमें भी वो न्यारा और प्यारा बनना सिखाते हैं। इसलिए ये पूरे कल्प में न्यारा और प्यारा जन्मदिन होता है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता जहां बाप और बच्चे का जन्मदिन हो और वो भी न्यारा और प्यारा बनाने वाला और न्यारा और प्यारा बनने वालों का। बाप है न्यारा से न्यारा और प्यारा बनाने वाला और हम बच्चे हैं न्यारे और प्यारे बनने वाले। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो ये और किसी भी समय व किसी का भी नहीं होता है। तो पहले बाप दादा बच्चों हर एक बच्चे का अपना अपना बाप और बेटे का जन्मदिन होता है। हाँ, सभी अपना अपना सभी आत्माओं का जन्मदिन बाप के साथ अपना अपना अलग अलग होता है, क्योंकि कोई बच्चा एक दिन जन्म ले रहा है, कोई दूसरे दिन जन्म ले रहा है, कोई घंटे बाद जन्म ले रहा है, दो घंटे बाद जन्म ले रहा है। सभी आत्माओं का जन्मदिन होना है। बाप का जन्मदिन पूरा कल्प हर समय मनाया जा रहा होता है। कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा किसी ना किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं। ये वंडरफुल है जन्मदिन, जो केवल दुनिया वाले तो एक दिन मनाते हैं। बाबा आज हमें कह रहे हैं कि वो दुनिया वाले तो एक दिन मनाते हैं, परंतु हमारा जन्मदिन पूरा कल्प पूरा जो संगम युग है सारा संगम युग ही जन्मदिन है, क्योंकि हर समय खुशी का दिन है। हाँ, हमारा पूरा संगम युग ही हमारा जन्म का समय है, जहां हर समय कोई ना कोई आत्मा जन्म ले रही है और हम भी जन्म लेते रहते मरते रहते हैं। अभी अभी हमने बाबा का हाथ छोड़ा, किसी और के पास जाकर जन्म ले लिया, बाबा तुरंत अपने दिल से उतार कर फेंक देता है, जाओ जिसका कहना माना ना उसके पास जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद हमें अक्ल आती है, फिर आके कहते हैं बाबा कहते हैं आ जाओ बच्चे बैठो, गोदी आपके लिए है। दिन हम कितनी बार मरते और जन्मते हैं, हमारा अपना भी जन्म और मरण लगातार चलता रहता है। अभी अभी हमने बाबा का हाथ छोड़ा और दुनिया में चले गए और फिर आए तो फिर बाबा का हाथ पकड़ लिया, तो मरकर बाबा कहते मर गए मेरे बच्चे, मरकर चले गए और फिर बरंती होने के बाद फिर आ जाते हैं, दोबारा जन्म ले लेते हैं। यहां कोई फीस लगती नहीं, मेहनत लगती नहीं, आ जाओ चले जाओ। तो हमारा भी जन्म चलता रहता है, तो ये भी हमने बहुत ध्यान से समझना है। इस बात पर भी हमें अटेंशन देना है कि हम बाबा के बच्चे बनकर फिर मरे नहीं। जितनी बार हम ज्यादा मरेंगे और उतना ही हमारा पद छोटा होता जाएगा। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंची गई। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिक्की लदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वह वह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हो, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे, एक जन्म का वरदान नहीं। बाबा कहते मैं आया हूं आकर के वरदान देता हूं, एक जन्म का वरदान नहीं, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। अनेक जन्म के लिए आप क्या बन गए, वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान भाई को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि कैसे अनेक जन्मों के लिए वरदानी बन गए।
हाँ कौन स्पष्ट करेगा? एक ही जन्म के लिए तो बनते हैं, पर बाकी के दोपहर के बाद वरदानी कैसे बनेंगे? वरदानी कैसे बनेंगे? एक जन्म के लिए वरदानी नहीं, बाबा आके में वरदान देते 21 जन्मों के लिए। तो जो हमें वरदान मिला वो अभी हम पुरुषार्थ करके, बाबा कहते ना केवल 21 जन्मों के लिए बल्कि पूरे कल्प के लिए सभी आत्माएं अपना भाग्य लिखते हैं, एक जन्म और दो जन्म के लिए नहीं। जो भी चाहे कोई 10 जन्म के लिए अपना भाग्य लिखे, एक जन्म के लिए लिखे, क्योंकि इसका जन्म ही एक है तो उसके दरवाजा 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य जो है ना लिखा जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि परमात्मा आते हैं हमारा 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ भाग्य लिखने के लिए, वास्तव में वो पूरे कल्प के लिए भी होता है, एक जन्म के लिए नहीं। और बाबा जो वरदान देते हैं, वरदान हमें मिलता तब है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। वरदान ये नहीं कि बाबा ने वरदान दे दिया तो हमारे को वरदान मिल गया, वरदान लेने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही लेते हैं। दुनिया में वरदान कह देते हैं ठीक है जी पुत्रवान भव तो पुत्रवान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है इस बात को। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक है जी वरदान वाली बात को फिर से समझना। ऐसा है कि वरदान में दुनिया में हम समझते थे कि कह दिया पुत्रवान भव आयुष्मान भव, बस हमें वरदान मिल गया, अब हमारी लंबी आयु हो गई। परंतु तो यहां बाबा भी आकर कहते आयुष्मान भव, परंतु आयुष्मान भाव का मतलब ये नहीं कि हमारी लंबी आयु हो गई, हमें लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। हमें बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सतयुग के लिए हम आने के अधिकारी होंगे, जितना चलेंगे उतना सतयुग में पहले आएंगे और जितना लेट चलेंगे उतना सतयुग में लेट आएंगे, त्रेता में लेट आएंगे, द्वापर में लेट आएंगे। हमारी प्राप्ति का आधार हमारा पुरुषार्थ है, वरदान तो दे दिया, परंतु जब तक हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, फलित नहीं है, नहीं मिलेगा ही नहीं। यदि कोई मान लो कि सुन भी लिया क्लास में आकर आयुष्मान भाव तो हम चले गए, हम कैसे बनेंगे सर्वशक्तिमान भाव? हम सर्वशक्तिमान बनेंगे कैसे? जब हम सर्वशक्तियों को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे, उसमें धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेंगे, तब तो हमारे जीवन में आएगा। वो तो दुआ दे रहे हैं वरदान के रूप में है ना। वरदान बाबा कहते हैं वरदान लेने से मिलता है। अब जैसे हम दुनिया में भी, मैंने पहले कई बार बताया होगा कि दुनिया में भी कह देते हैं पुत्रवान भाव, अब यदि दूधो नाओ पूतो फलो, अब हमारे पास कहते तो दूधो नाओ कैसे होगा? जब तक गाय भैंस बांधोगे नहीं, उसको सानी पालना करोगे नहीं तो दूध आएगा आपके घर में? वो भाजी एक तरह से आशीर्वाद देते हैं लेकिन करना हमें पड़ेगा। हाँ करना हमें पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है कि वरदान बाबा देते परंतु जो जितनी मेहनत करता उतना उसको मिलेगा। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं, परंतु हर एक में लेना अपने पुरुषार्थ के अनुसार है कि कौन कितना ले पाता है कितना नहीं ले पाता, ये डिपेंड करता है उस आत्मा के ऊपर। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। हमारा ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी क्या है? अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं।
ये हमारा जो न्यारा और प्यारा बर्थडे है बड़े उमंग उत्साह से हम मना रहे हैं ना, सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं। सभी बच्चे खुश हैं कि बाबा हमारा जन्मदिन मना रहे हैं और हम बाप का जन्मदिन मना रहे हैं। कितनी खुशी है, खुशी को माप सकते हैं? कोई माप है इस दुनिया में? इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है, माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है, सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है। आकाश से भी ऊंचा क्या है? हमारा घर परम धाम है। परम धाम में सबसे ज्यादा खुशी कितनी होगी? परम धाम बहुत ऊंचा है। तो परम धाम जितनी भी कहें तो इसका कोई माप तातोल निकला नहीं है, इसका कोई माप तोल निकला नहीं है ना, ना निकल सकता है, ना निकला है और ना कोई निकाल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। आपको समझ में आया दूसरा प्रश्न? बाबा को, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे, बाबा ने कहा एक दूसरा प्रश्न है तो समझ गए हैं तब तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ है, खिला हुआ नहीं, बाबा चाहते हैं कि आधा खिला हुआ नहीं, पूरा खिला हुआ गुलाब हो। तो बाबा पूरे खिले हुए गुलाब को देखना चाहते हैं, सबका चेहरा एकदम खिला हुआ हो, सदा और फूल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? फूल मुरझा जाए तो क्या करते हैं? उसको उठा करके अलग कर देते हैं। बाप दादा अलग नहीं करते, बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। जो मुरझाए हुए होंगे वो खुद ही बाबा को छोड़कर चले जाएंगे, बाबा किसी को दूर नहीं करते हैं। आज तो मनाने का दिन है, आज तो हमारी शिव जयंती है, जन्मदिन है, तो हमारा जन्मदिन मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पांव से नहीं। नाचना किससे है? मन से नाचना है, पांव से नहीं नाचना। और दुनिया वाले गीत बजाकर घंटों घंटों अपने शरीर को थकाते रहेंगे। बाबा कहते पांव से नहीं नाचना है, किससे नाचना है? मन से नाचना है। पांव से नाचना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? घमसान हो जाएगा। बाबा रूम, अपना माँ जो बाबा की मुरली चल रही है डायमंड हॉल में, वहां सारे बैठ जाएं, यही बड़ी बात होती है। और यदि वो नाचने लगे तो क्या होगा? घमसान मच जाएगा, ठीक है नहीं? बाबा कहते हैं घमसान हो जाएगा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं। वहां पर ऐसी जगह पर भी जहां बैठने की जगह बड़ी मुश्किल है, वहां बच्चे नाच भी रहे हैं। और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है,
बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है, बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी बच्चों का आवाज सुन रहे हैं और बच्चे बाप का आवाज सुन रहे हैं। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है, और काम ही क्या है, ब्राह्मणों का काम क्या है, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है। बस बाबा पूछ रहे हैं, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या, योग लगाने में मेहनत लगती है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब मिलन में कोई मेहनत लगती है क्या, तो मिलन में क्या होता है, जब बच्चे बाप से मिलते हैं तो क्या होता है, खुशी होती है, खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। जब बाप से मिलन मनाएंगे तो नाचेंगे और दिल के गीत भी ऑटोमेटिक गाएंगे। ये ऑटोमेटिक दिल का गीत कौन गाएंगे, अविनाशी आत्मा, सारी अविनाशी आत्मा, मेरा बाबा, कौन गाएंगे, बाप की श्रीमत पर। प्रश्न ये है कि जो बच्चे खुश होंगे दिल से वही गाएंगे। जिनके अंदर प्राप्ति हुई है वो ये दिल से ऑटोमेटिक गीत गाएंगे। ऑटोमेटिक गीत का मतलब होता है जो रुके नहीं। वो कौन सा गीत, वो कौन गाएंगे, जिनका गीत रुके नहीं। ऑटोमेटिक गीत वो होता है जो रुके नहीं, जो रुक गया तो वो ऑटोमेटिक नहीं, जो निरंतर बाप की श्रीमत पर चलकर प्राप्ति कर रहे हैं। जो निरंतर प्राप्ति नहीं करे उनका गीत ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, वो रुक जाएगा। जब उनको प्राप्ति होगी तो गीत गाएंगे, और जैसे ही प्राप्ति नहीं हुई तो गीत बंद। खुशी के आंसू तभी आएंगे निरंतर कि जब उनको निरंतर प्राप्ति हो रही है। ब्राह्मणों का काम ही यही है। ब्राह्मण माना निरंतर बाबा की याद में रहने वाले, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है, पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो बच्चों ने कहा नहीं है, नहीं है ना, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठो। जिनको नाचना गाना मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है, नाचो गाओ। सहज है ना, सहज है तो कांध तो हिलाओ, मुश्किल तो नहीं है ना, जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की, इसलिए इस समय सहज है। इस समय क्या है, सहज है। मुश्किल वाला कोई है, कभी कभी मुश्किल लगता है जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए, चलते चलते रास्ता भूलकर किसी और रास्ते पर चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना, कि अब मैं कहां से जाऊं, कौन से रास्ते पर जाऊं। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है,
ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मणों की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध, लड़ना, झगड़ना। वे तो मुश्किल ही होगा ना। नाचना गाना मुश्किल होता है कि लड़ना झगड़ना मुश्किल होता है? नाचना गाना तो आसान है, युद्ध करना मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल काम करते हो? बाबा कहते मतलब बाबा कहते क्यों मुश्किल काम करते हो, क्यों नहीं अपना नाचने गाने वाला मौज वाला काम करते हो? मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स, मौज मनाने वाले हो ना, तो एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो वहां जाकर मौज तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। शिवरात्रि पर दुनिया वाले क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, वो तो मनाते नहीं जो व्रत रखना पड़ता। भारत में तो व्रत रखते हैं सारा दिन। शिवरात्रि पर क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। शिवरात्रि पर क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। भारत में ही मनाते हैं तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना। क्या व्रत लिया हमने भाई? हमने क्या व्रत लिया है भाई? तो व्रत लिया हमने एक बाबा दूसरा ना कोई। हमने व्रत लिया कि आज से हमारा एक बाबा दूसरा ना कोई। और क्या व्रत लिया? पवित्रता का व्रत लिया हमने। संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और भी कोई व्रत लिया? सदा खुश रहने का व्रत लिया। सदा खुश रहने का, क्योंकि बाबा मिला अब हमारी खुशी गायब नहीं होगी। तो खुशी हमें कैसे मिलेगी? व्रत तो वो होगा, खुश रहना तो हमारी प्राप्ति हो गई, प्रलब्ध हुई। उसके लिए व्रत क्या? हम बाबा की स्मृति में रहेंगे, बाबा के डायरेक्शन पर ही चलेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। तो मतलब ये व्रत हमने लिया कि हम कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म बाबा की श्रीमत से अलग नहीं करेंगे। पक्का व्रत लिया है ना? या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पूछ रहे हैं बाबा। पक्का हुआ सब अच्छा लगता है। तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भाव। जो बाबा ने वरदान दे दिया, तो ये वरदान हमारे को प्राप्त कब होगा? ये बाबा ने वरदान दिया संपूर्ण पवित्र भाव, तो ये वरदान हमें प्राप्त कब होगा? जब हम धारणा करेंगे। हाँ, जब हम इस पर पूरी तरह अटेंशन देकर इसको धारणा में लाएंगे। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। हमने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है जी, ये तो दुनिया में भी बहुत कर लेते हैं। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता हो। हमारे बोल में, हमारे संकल्प में, हमारे कर्म में पवित्रता हो। तो आप जरा सोच कर बताओ कि ये तीन में पवित्रता कैसे आएगी?
हमने इन तीन में पवित्रता लानी है, बोल में, कर्म में और संकल्प में। तो ये तीनों में पवित्रता आने का आधार क्या होगा? अटेंशन। हम अटेंशन किस बात पर हम अटेंशन देंगे? हमने कई दिन से मैं ये लाइन यूज कर रहा हूं कि बाबा की इन लाइनों पर ध्यान देना है, जिसमें से तीन ये हैं, दो और हैं। किसको याद है वो पांच बातें? ब्राह्मण नहीं, देखना, सुनना, हाँ, बोलना, ना किसी को दुख देना, ना किसी से दुख लेना। नहीं भाई जी, देखो बात यहाँ है कि तीन यहाँ पर हैं, दो बतानी है। देखो कौन सी होती हैं दो? ये तीनों जो है ना आउटलेट हैं। देखो पहला है इनलेट, मैंने बताया था, जहां से एंट्री होती है। वहां बाबा कहते बच्चे मेरी श्रीमत के अनुसार सुनो। बाबा की श्रीमत के अनुसार हम जब सुनेंगे तो हम अपवित्र बात सुन नहीं सकते, हम अपवित्र बात सुनेंगे नहीं और सोचेंगे फिर वो निकलेगा हमारे अंदर क्या बोल से। हाँ, अब यहाँ पर बाबा इतना चलाक है, तीन बातें बता दी, दो अपने आप सोचे, और यही मुरली मंथन है। तीन बातें बता दी, क्या बताई है तीन बातें? हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में पवित्रता। अब ये आएंगी कैसे पवित्रता? जब हम सुनेंगे पवित्र, पवित्र सुनना माना केवल बाबा की बातें सुनेंगे और बोले क्या बोलते हैं, देखेंगे क्या जैसे बाबा ने कहा। जब हमारी दृष्टि पवित्र होगी, जब हमारा श्रवण पवित्र होगा, सुनना पवित्र होगा, तो हमारे संकल्प भी पवित्र चलेंगे, फिर हमारे बोल भी पवित्र हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म भी पवित्र हो जाएंगे। तो पहले हम एंट्री गेट को ध्यान दें, एंट्री गेट पवित्र करें तो आगे वाले तीनों गेट भी क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। बाबा कटवे पहाड़े पूछता है, पहले वाला दो बताए नहीं और आगे वाले रिजल्ट बता दिया, अपने आप सोचो। इसको कहा जाता है, हाँ जी, इसको कहा जाता, हाँ जी, ये आंखें बड़ी धोखा देती है पहले। हाँ, आंखें, कान भी धोखा देता है। आवाज आ गई, फिल्मी गाना, अरे ये बचपन में सुना था, बड़ा सुंदर गीत है। इस गीत तो बहुत दिनों के सुने हुए, इसको तो सुनेंगे सुनेंगे, बाद में बाबा की बात करेंगे। मतलब कान भी और आंखें भी, ये सब धोखा देते हैं। शरीर का एक एक अंग धोखेबाज है, परंतु ये मोटी दो बातें हैं, ब्रह्मचारी और ब्रह्म आचारी। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी भी और ब्रह्म आचारी भी, हम दोनों हैं। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योग का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्म आचारी। इसको कहा जाता है ब्रह्म आचारी। ब्रह्मा बाप को देख हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, आपका हर बोल महावाक्य हो। क्योंकि हमने बोल रहे हैं तो वो महावाक्य कब होगा? जब हम बाबा की श्रीमत को ही अपने अनुभव सहित बोलेंगे, तब वो हर बोल क्या बन जाएगा? महावाक्य। इन टेक को बाबा नहीं बता रहा यहां, इनटेक बाबा कहते ढूंढो कैसे होगा, मुझे तो रिजल्ट दो। आपका हर बोल क्या हो? महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, आपका जन्म ही अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता, क्योंकि हमारे जन्म का आधार ही पवित्रता है। परमपिता परमात्मा ने संकल्प किया, हम बच्चों को अपने पास बुलाया और हमारा जन्म हो गया। सोचना है कि हमारा ये अलौकिक जन्म है। अलौकिकता का अर्थ होता है पवित्रता। जहां अपवित्रता है तो वो लौकिक है। लौकिक का मतलब ही है
अपवित्र, और पवित्रता का मतलब है अलौकिक। लौकिक में तो हम बदल गए ना। रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो अपने को, परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही खुद मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वे सहज होता है। दूसरे को देखना क्या होता है? सहज होता है। तो अपने को देखो, बाबा कह रहे हैं अपने आप को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी पवित्रता रही, कितने परसेंट पवित्रता रही। आप लोगों ने इस वर्ष और क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ, कितने परसेंट में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन चढ़ती कला वाला है या गिरती कला वाला है? क्यों, परिवर्तन तो दोनों है। हम गिर रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है, हम चल रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहते जरा सोच कर बताओ कि तुम्हारा परिवर्तन कौन सा है, गिरती कला वाला या चढ़ती कला वाला। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष विशेष का देखते हैं? सबका देखते हैं कि विशेष का देखते हैं? सबका टाइम है इतना बाबा के पास, सबका देखते हैं, परंतु रोजाना नहीं देखते। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते, चाहे वो लास्ट है, चाहे वो बच्चा लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी बच्चों का क्या देखते हैं? चार्ट देखते। सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे, सभी बच्चे हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज के दिन मनाने का है नया, इसलिए नहीं सुनाते। आज बाबा कहते मैं तुम्हारा रिजल्ट नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मनाने का दिन है तो कोई बच्चा दुखी होगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए नहीं सुनाते। आज हो क्या बोलते हैं, शिव जयंती मनाने आए हो इसलिए कोई बातें आपके बारे में नहीं सुनाएंगे, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भगत तोड़ते नहीं। बाबा कह रहे हैं मैं मुरली नहीं चला रहा हूं, परंतु बाबा मुरली तो चला रोक नहीं सकते ना, डायरेक्शन देना तो रोक नहीं सकते ना, इसलिए कि व्रत को सच्चे भगत तोड़ते नहीं है। तो आप तो ज्ञानी बच्चे हो, आप कैसे व्रत को तोड़ देंगे? तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति
कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है, नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वप्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, पहले संकल्प आता है, फिर जो है फिर बोल आता है, फिर हमारे जो भी संकल्प है वही कर्म में आते हैं। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। जैसे हमारे अंदर संकल्प चलते हैं फिर वही हमारे मुंह से निकलते हैं। कई बार कहते हैं बाबा मैं बोलना नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया, इसका मतलब वो संकल्प चले हुए थे अंदर, तो आपने सोचा था, सोचते ही है। हाँ, जो सोचा हुआ होता है वो कभी ना कभी बाहर आ जाता है। तो सोच पर कंट्रोल करो। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और निगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी, एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है, तो बाप दादा भी सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशय कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो, एकानामी बचत करने के अवतार बनो। संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे, ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 1999 में क्या होगा, चालू हो गया, चालू हो गया 99 तो चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या, बाबा पूछ रहे हैं कुछ हुआ क्या। फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी, अगर होगा भी तो आपको क्या है, कुछ भी हो हमारे लिए तो हर बात में कल्याण है, हमारे तो हर बात में कल्याण है। फिर कुछ भी हो फिर हमें सोचने की जरूरत क्या है। आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा उसकी चिंता है, उसकी उसका भय होता है, आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए आपको निर्भय और हर्षित मुख हो, खेल देखना है, खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, खून भी दिखाते हैं और प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बात भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, अच्छी बात भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय बताओ किस बात का, आप फिल्म देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, क्या उसमें आपको डर लगता है, कोई किसी को मार रहा है तो भी कोई डर नहीं, हमें पता ही एक्टिंग कर रहे हैं, मरा कहां है, नहीं? तो इस प्रकार से फिर खेल में भय होता है, क्या क्या होगा, क्या हुआ,
क्या हुआ ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं तो ये भी बेहद का खेल। अगर जरा भी भय या घबराहट होगी तो क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे तो होना नहीं चाहिए ना। क्यों हो गया? तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़। वो अच्छी बात आई तो खुशी में नाचने लग जाएंगे, और कोई ऐसी बात आई तो दुखी हो जाएंगे, रोने बैठ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, हर चल में आ जाएंगे। इसलिए 1999 हो या 2000 हो, आपको क्या, होने दो, खेल है ना, होने दो, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी ना आए, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है। आप लोगों ने प्रकृति को कोई सेवा दी है भाई? आपने दिया कोई प्रकृति को सेवा? प्रकृति को सेवा यही है कि वो प्रकृति के द्वारा ही विनाश होगा, उसमें मदद करेगी। हमने कहा कि विनाश कर, हमने प्रकृति को कोई सेवा दी है? पवित्र वन हाँ जी, बाप हमने बुलाया है अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने के लिए। हमने बाबा को पवित्रता का सहयोग दिया। नहीं, प्रकृति को आपने कोई ड्यूटी दी है क्या? जैसे जैसे आत्मा सत्व प्रदान करेगी वैसे नई दुनिया लाने के लिए सफाई की ड्यूटी दी है। हाँ, हमने प्रकृति को ड्यूटी दी है भाई, सफाई करो। बाबा को काम दिया सफाई करो, प्रकृति को भी ड्यूटी दी सफाई करो। अब उसको लंबे लंबे झाड़ू भी दिए हैं, ठीक है? क्या क्या दिया है आपने ये देखो, सफा करो। तो घबराते क्यों जब आपने झाड़ू दिया है दुनिया को साफ करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, तो फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? कौन सी झाड़ू पकड़ाए हैं आपने? प्रकृति को भी कोई झाड़ू दिए आपने? सोचो, आपने ही तो ऑर्डर दिया है कि इस दुनिया को पवित्र बनाओ, साफ करो, बन। और तो अब तुम अचल अडोल बन, मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हर चल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस और लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। भय से मुक्त होना चाहते तो क्या करें हम? बिजी रहें। किस में बिजी रहें? लाइट देने में, सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने में बिजी रहें। साक्षीपन होगा, भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना, क्यों क्या मैं बुद्धि को बिजी व भरा हुआ, बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, एक बाप और मैं,
सब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वे नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन अभी भी आधार नहीं बनाना, आधार नहीं बनाना, यूज करो साधनों को, यूज करो साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं, आप ही तो क्या कर रहे हो, आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए, जल्दी जल्दी क्या आ जाए, गोल्डन एज आ जाए, स्वर्णिम दुनिया आ जाए, सतयुग आ जाए। तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या किया, एकानामी का अवतार बनना है। एकानामी क्या होता है, बचत करना, बचत। एकानामी अंग्रेजी का शब्द है बचत करना। तो हमें अवतार बनना है बचत करने का। किस किस की बचत करनी है, चाहे संकल्प में हमने उतना बोलना है जो बाबा की श्रीमत है, उसके अलावा हमें कोई संकल्प नहीं करना। संकल्प ही हमने वही करना है जो बाबा की श्रीमत है, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एकानामी, चाहे साधारण कर्म की एकानामी बचत करने में कोई भी कर्म करेंगे। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल, वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, बाबा कहते आज जन्मदिन मनाने आए हो, मेरे को कहना तो नहीं था कोई भी, वे तुम मनोरंजन करने आए हो, तुम मैं कोई पढ़ाई पढ़ाऊं, लेकिन कह दिया, कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी, तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, जरा भी कमजोर, कमजोरी बाप दादा बच्चों की देख नहीं सकते। बाप दादा बच्चों की क्या नहीं देख सकते, कमजोरी देख नहीं सकते। बाप दादा बच्चों की कमजोरी को देख नहीं सकते। इसलिए कह दिया, बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लगी है, कहीं भूकंप है, कहीं कुछ है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे, हम बच्चे क्या करेंगे भाई, सेफ्टी का साधन कौन सा है। सिक्किम में क्या बन जाओ, हाँ, विदेही आत्मा बन जाओ, अशरीरी,
वह आत्म अभिमानी बना लो तो हर चल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, क्या होगा अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो, और कोई ख्याल ना आए, जो आपने सोचा बस वही करना है और कहीं बुद्धि नहीं जाए। तो बाबा एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठ के अपनी बुद्धि को क्या करो, स्थिर करो एक जगह पर, और कोई दूसरी जगह आपकी बुद्धि ना जाए। इसको कहा जाता है साधना। ये अभ्यास करने को क्या कहा जाता है, साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्माचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी और एका नामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर चल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फौरन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं, तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें, बाबा पूछ रहे कितनी मुबारक दें, जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। मुबारक कितनी, आप जितनी धारणा कर सकते हो उससे भी ज्यादा वरदान। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी, हमें बाबा से प्यार है, हमें सब आत्माओं से प्यार है, ये नवीनता लानी है अपने आप में हमें। अब पहले हम देहधारियों से प्यार करते थे, ये हमारे सेंटर के भाई बहन हैं, परंतु अब क्या है, सारे संसार के आत्माओं के प्रति हमारे पास क्या हो, हाँ, ये अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महान आत्मा भाव। क्या बनना है हमको, महान आत्मा बनना है। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध, जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए, और कहें कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, वो ये नहीं कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा, जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे, तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। जब आप ऐसी सेवा करेंगे तब समझेंगे कि माइक जो है
वो क्या हो गए, तैयार हो गए। माइक किसे कहते हैं? माइक हम्म, जो हमारी बोल है, हम्म, बोलने वाले को, आवाज निकालने वाले, आवाज निकाल, हां जी, जो बाबा के ज्ञान को सही तरह दूसरों को सुनाए, जो बाबा के ज्ञान को सही तरीके से, मतलब ऐसे बच्चे आवाज को बड़ा बनाए, आवाज को बड़ा बनाए, आवाज को, आवाज बाबा की आवाज को सारी दुनिया में फैलाए। तो मतलब ऐसी आत्माएं जो बाबा के संदेश को सारी दुनिया में फैलाएं, इनमें कौन कौन माइक बनेंगे? सबसे बड़े माइक बनेगा इब्राहिम, सबसे बड़ा माइक बनेगा इब्राहिम, फिर बनेगा बुद्ध, फिर बनेगा क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद, ये जितने धर्म पिताए हैं वो बड़े माइक बनेंगे। परंतु उससे पहले बुद्ध तो आत्मा को भी मानता नहीं, परमात्मा को भी मानता नहीं, तो वो कैसा माइक बनेगा? माइक बनेगा, सारे बौद्धिस्ट उसको मानेंगे, सारे बौद्ध धर्म वाले उसकी बात को सुनकर के परिवर्तन होंगे, सारे क्रिश्चियंस क्राइस्ट की बात को सुनकर के परिवर्तन होंगे। हाँ जी बोलो, क्या पूछ रहे थे? बोल रहे थे आगे, बोलिए। हाँ, मतलब जितने भी धर्म इब्राहिम है, क्योंकि सबसे ज्यादा इब्राहिम को फॉलो करने वाले बनेंगे। सनातन धर्म वाले तो 33 करोड़ है सिर्फ, सोच के देखिए ना, सनातन धर्म के अंदर जो भी मतलब इष्ट देव होंगे वो अपने लाख को, 2 करोड़ को, करोड़ को, इतनों कोई आवाज देने वाले बनेंगे, परंतु इब्राहिम की जो आवाज होगी, क्राइस्ट की जो आवाज होगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा हैं, तो जो ज्यादा है तो उनकी आवाज तो वही सुनेंगे, हमारी आवाज को थोड़ा सुनेंगे वो। क्राइस्ट, क्राइस्ट ने तो बोला था, मैं भाई जी, क्राइस्ट ने बोला था कि मैं बाप का बच्चा हूँ, बोलते भगवान का बच्चा हूँ, हाँ? वो बता सकता है, पर बुद्ध ने नहीं बताया ना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। परंतु परमात्मा का बच्चा तो है ना, बनेगा तो सही ना, और बताएगा तो सही ना, तभी तो उनका भी कल्याण होगा, उनको छोड़ के थोड़ा जाएगा बाबा, किसने मेरे को कहा नहीं, हमने परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर कण कण में डालकर कितना गुम कर दिया, तो क्या हमें बाबा ने छोड़ा? बाबा ने आके हमें ही तो पकड़ा ना, हमने तो उसको गुम कर दिया था, गालियां निकालते थे तुम मुझे, तो बाबा ने किसी को, बाबा के लिए कोई भी बच्चा पराया नहीं है ना, तो बाबा ने तो सब बच्चों को समझाना है। तो माइक का मतलब जो अनेक आत्माओं तक आवाज पहुंचाने वाले बनेंगे। भाई जी, हां जी, जो ये बड़े लीडर होते हैं वो भी तो माइक का काम करते हैं, करते हैं ना, वो थोड़े, वो खुद माइक का आवाज करके ना फिर खुद सुधार नहीं करते, कुछ सुधार भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, परंतु जैसा भी उनका पार्ट है, परंतु ये माइक बनेंगे, मतलब जो सतयुग और त्रेता के लिए माइक बनेंगे, वो कितनों को गान सुनाएंगे? लाख को, 2 लाख को, करोड़ को, क्योंकि 33 करोड़ तो सारे बनने हैं। और जब इब्राहिम बोलेगा तो जो इब्राहिम को फॉलो करने वाले हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, सबके पास जाएगा। फिर उनमें से क्राइस्ट आएगा तो वो सारे क्रिश्चियंस उसको सुनेंगे, मोहम्मद आएगा तो सारे मुस्लिम्स उसको सुनेंगे, शंकराचार्य आएगा तो सारे शंकर संन्यास मत वाले उसकी बात को मानेंगे, तो उनके फॉलोअर ज्यादा होंगे ना, उनकी आवाज बड़ा तेज फैलेगी ना, वो बहुत तेज आवाज करने वाले माइक होंगे। 33 करोड़ है, ये मतलब 33 तक की जनसंख्या है। हाँ, 33 करोड़ 33 तक की जनसंख्या है। लास्ट एक बार वीडियो बताया था कि द्वापर में कम बताई थी, 2 करोड़, द्वापर में 2 करोड़, नहीं सॉरी, सतयुग के अंदर 2 करोड़ जनसंख्या होती है, त्रेता के अंत तक 33 करोड़, और द्वापर के अंत तक 1 अरब 100 करोड़, और बाकी कलयुग में सारी आत्माएं आ जाती हैं। सत्युग के अंत में 2 लाख नहीं, आपने कोई ऐसा नहीं, 2 करोड़, 9 लाख तो शुरुआत होती है जी, सत्युग के आदि में 9 लाख और सत्युग के बाद जो है ना अंत तक 2 करोड़,
और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ और द्वापर के अंत तक 1 अरब जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, माइक तैयार हुए। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो, बस हमें एक परमात्मा से प्यार करना है तो बाबा से प्यार करना आसान काम है क्या? आसान काम है? उसके सारे बच्चों से प्यार करना पड़ेगा। एक बच्चे से भी प्यार किया तो भी गड़बड़। उसके सारे बच्चों से प्यार करना माना बाबा से प्यार करना। आसान काम है, मुश्किल काम है? आसान काम, आसान काम है। परंतु कब? जब हमें बाबा से प्यार है, जब पता लग जाए कि सबसे प्यार करने में ही मेरा कल्याण है। सर्वे भवंतु सुखिना कह सकते हैं, परंतु जब तक हम सबको सुख पहुंचाएंगे नहीं तो सारे सुखी होंगे कैसे? सबको सुख देना भी हमें है। अच्छा, जनसंख्या की गणना ना? हाँ जी, आपने जनसंख्या की गणना के आधार पर बताया था कि उस समय जनसंख्या की गणना इंडिया में इतनी थी, उस समय इतनी थी, इस तरीके से आपने बताया? वो एक अलग विषय, वो अलग विषय है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।